और आज बात आजम का बगावती चैप्टर अखिलेश के लिए चुनौती बना खजूर फैक्टर, क्योंकि जो बगावत आजम खान के कुर्मे ने दिखाई है आज उसका सबसे बड़ा ट्रेलर सामने आया है। क्योंकि रविवार को समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा आजम खान से मिलने सीतापुर जेल गए थे, लेकिन आजम ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन आज जब कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम आजम से मिलने पहुंचे तो साफ हो गया कि आजम की तबीयत नहीं बल्कि मूड खराब है। इसे मेरे बगल में दिख रही इस तस्वीर से भी आप समझ सकते हैं, जो ये बता रही है कि आजम से जेल में जाकर कोई भी मिल सकता है सिवाय समाजवादी पार्टी के। और अब सवाल बड़ा है कि क्या वाकई आजम खान ने समाजवादी पार्टी से तौबा कर ली है, और क्या आजम खान जेल से बाहर आकर बड़ा धमाका करने वाले। आजम का अदावती इजहार, द ग्रेट समाजवादी वॉर, चुनौती बना खजूर फैक्टर, आजम का बगावती चैप्टर। उन्होंने मुझे खजूर खाने को दिए, मैंने उन्हें गीता भेंट की। अखिलेश से किनारा, आजम को प्रमोद का सहारा। सियासत की सबसे बड़ी आजमाइश पूरी होगी आजम की ख्वाहिश। जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल सीतापुर जिला कारागार पहुंचता है तो उनसे आजम खान नहीं मिलते हैं। जितनी मुश्किल अखिलेश यादव की भाजपा ने नहीं बढ़ाई, उससे कहीं ज्यादा टेंशन आजम खान ने दे दी। क्योंकि सीतापुर जेल में बंद आजम खान ने समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा सियासी खेल किया कि समाजवादी पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि वो आजम खान रूपी चैप्टर से कैसे निपटे। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी आजम खान को अपना नेता बता रही है, समाजवादी पार्टी उनके साथ, देखिए वो कानूनी है और जो समाजवादी पार्टी लीगली मदद कर सकती है वो करेगी। समाजवादी पार्टी के साथ आजम खान है और आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी। अब उसी समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, जिसका सबसे जीता जागता सबूत है कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन और आजम खान की सीतापुर जेल में हुई मुलाकात। देखिए आजम खान से मिलने के लिए मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, उनके हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके खिलाफ जुल्म हुआ है। काफ़ी देर उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे खजूर खाने को दिए, मैंने उन्हें गीता भेंट की। क्योंकि एक दिन पहले सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे थे, लेकिन आजम ने बीमारी का बहाना बनाकर उनसे मिलने से मना कर दिया। जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आजम खान ने अपनी बीमारी का कारण बताकर मिलने से मना कर दिया है। लेकिन जब प्रमोद कृष्णम सीतापुर जेल पहुंचे तो आजम ने बिना देर लगाए प्रमोद कृष्णम को मिलने बुला लिया। लेकिन इस दौरान प्रमोद कृष्णम ने आजम खान को गीता भेंट की तो आजम ने प्रमोद को खजूर खिलाया। अब यही खजूर समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि आजम खान और प्रमोद कृष्णम की इस मुलाकात ने साफ कर दिया है कि आजम ने समाजवादी पार्टी से सच में तौबा कर ली है। और अब बिना कुछ कहे ये बता दिया है कि उनके दरवाजे समाजवादी पार्टी को छोड़कर सबके लिए खुले हैं। आजम खान को लेकर कई नेता उनसे मिलने के लिए इस समय सीतापुर जिला कारागार पहुंच रहे हैं। कुछ से तो आजम खान मिल ले रहे हैं, कुछ को वो बैरंग लौटा दे रहे हैं। इसके पीछे भी कोई नया समीकरण बताया जा रहा है। सबसे पहले आजम खान से मिलने के लिए प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पहुंचे थे, उनसे आसानी से आजम खान मिल जा रहे हैं। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल सीतापुर जिला कारागार पहुंचता है तो उनसे आजम खान नहीं मिलते हैं। मतलब एकदम साफ और सीधा है, आजम खान की बगावत ने अखिलेश यादव के सामने चुनौतियों का पहाड़ लगा दिया है। पहली चुनौती आजम खान और उनके कुनबे की है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लगी है और अखिलेश यादव की इमेज एक ऐसे नेता की बन गई है जो वोट तो चाहता है लेकिन बदले में कुछ करना नहीं चाहता। क्योंकि बार बार आजम खान के कुनबे की तरफ से ये बात कही गई है कि आजम खान के लिए अखिलेश ने कुछ नहीं किया, और जो नेता आजम खान और उनके परिवार से मिले वो भी आजम खान और उनके बड़े कद का गुणगान करते दिखे।
और आप इतने बेमन रखते हैं कि मोहम्मद आजम खान साहब से जेल में मिलने महज देख पा गए, महज देख पा गए आप जेल में मिलने। क्या अखिलेश यादव जी आप नहीं जानते कि आजम खान साहब कैसे क्या ये मानिए था? समाजवादी पार्टी आजम भाई की मदद करते या संघर्ष करते दिख नहीं रही है, ये दुर्भाग्य है। मुलाकात यही भी उन्होंने बताया कैसे कैसे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, मैं तो नहीं जानता उनके स्वास्थ्य के बारे में, वेदांता में जिस तरह से उनके जब एक उम्मीद थी कि प्रशासन की तरफ से उनको एक राहत मिलनी चाहिए थी, नहीं हो पाई और अभी भी कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है। दूसरी चुनौती शिवपाल यादव की है क्योंकि एक बार फिर यादव वोट पर सिंध पारी का संकट मंडराने लगा है। जो शिवपाल यादव पहले सिर्फ अखिलेश यादव पर हमलावर थे, वो अब अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव पर बोलने से भी गुरेज नहीं कर रहे। नेताजी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी आजम भाई का ये मामला रखना चाहिए था। तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती यादव मुस्लिम गठजोड़ की है, जिसके दम पर समाजवादी पार्टी को पहली बार 32% से ज्यादा वोट मिला, लेकिन आजम खान और शिवपाल यादव की बगावत ने इस पर भी संकट के बादल मंडरा दिए हैं। लेकिन जानकारों की माने तो बड़ा धमाका अभी बाकी है, क्योंकि जिन 72 केस में आजम पिछले 26 महीने से जेल में बंद है, उनमें से 71 में उन्हें जमानत मिल चुकी है और अब सिर्फ एक केस बाकी है। मतलब आजम कभी भी जेल से बाहर आ सकते हैं और फिर वो कौन सा धमाका करेंगे, इस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।